नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और बाज़ार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे लिख लिख के भेजते हैं कि सर एक वीडियो बनाइए जो कि पेनी स्टॉक्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो मैं अभी तक इस चैनल के अंदर पेनी स्टॉक को लेकर अभी किसी दिन बात नहीं किए है, तो आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए दो ऐसे स्टॉक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जिन पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले बात तो ये है कि पेनी स्टॉक जो होता है उसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना कि आपका पूरा फंड वहाँ पर एंगेज कर दे, पूरा एलोकेट कर दे, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि पेनी स्टॉक का अगर आप ब्रॉडर व्यू देखें उसका एक्चुअली में कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन उसमें ये बात भी सही है कि पेनी स्टॉक जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करके ही हम लोगों का अगर वेल्थ क्रिएट करना है, मतलब कम टाइम में वेल्थ क्रिएट करना है, तो पेनी स्टॉक से अलावा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं दो पेनी स्टॉक को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहले बात तो ये है कि अपना जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा ना करें कि पूरा आपका फंड वहाँ पर एंगेज कर दिए कि पूरा वहाँ पर लॉस हो गया, ऐसे वगैरह नहीं होता। दूसरा बात ये है, मैं यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर एनालाइज किया है दो स्टॉक के ऊपर, वो आप लोगों के साथ मेरा जो व्यू है उसको लेके मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब टाइम वेस्ट ना करके फटाफट स्टॉक्स के अंदर चल पड़ते हैं और देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक हम लोगों का कौन सा वाला में रहेगा। फर्स्ट जो स्टॉक रहेगा हम लोगों का इसके अंदर वो रहेगा राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पैकेजिंग कंपनी है जो हम लोगों का जो मटेरियल पैकेज होता है वो बनाता है, वो कार्डबोर्ड का पैकेज हो या पॉलीथीन का पैकेज हो, थर्मोकॉल का पैकेज हो, ये सारे चीज़ वो बनाता है। बेसिकली ये एक अगर आप देखें इसके अंदर हम लोगों का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आगे चलते हुए, क्योंकि आपको पता है अभी सारे चीज़ें हम लोगों का घर पे आते हैं, सारे चीज़ें पैकेजिंग के लिए लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जितना दिन आगे निकल जाएंगे हम लोग और उसके अंदर हम लोगों का ये सारे चीज़ों का यूजेज और इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंपनियों के बारे में। ये कंपनी जो है ये बेसिकली हम लोगों का प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग में करते हैं, तो यहाँ पर 3-ply, 4-ply पैकेजेस वो बनाते हैं, थर्मोकॉल का पैकेजिंग बनाते हैं, मल्टी कलर्ड ऑफसेट जो प्रिंटेड पैकेज होता है, मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो बॉक्स प्रिंट होके आते हैं वो सारे चीज़ वो बनाते हैं। अब बात ये है इसके अंदर हम लोगों का मतलब फोकस क्या है, इसके अंदर हम लोगों का अपॉर्चुनिटी क्या है। पहले बात तो ये है, ये स्टॉक जो है इसका जो पी है, ठीक है, तो पी रेशियो है वो 10 के नीचे है, जो कि एक स्टॉक के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंडरी बात यह है कि इसके अंदर जो RSI जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी इस मोमेंट के लिए। थर्ड जो बात है, इसके अंदर अगर हम देखें डेप्ट कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा कंपनी है जो पेनी स्टॉक के अंदर कोई डेट भी नहीं है, यानी कि ये बाज़ार से कोई लोन उठा के बैठे नहीं है, तो ये आप खुद के पैसे से बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ग्रोथ अगर होगा वो पूरा प्रॉफिट इसका बैलेंस शीट में दिखाएगा। ठीक है, तो और एक जो बात है, लास्ट 1 month में ये स्टॉक 20% की ऊपर मूवमेंट किया है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लास्ट 1 महीने में 20% की ऊपर इसके अंदर मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट आया है, प्रॉफिट दिलाया है, तो ये एक बहुत बढ़िया सा, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक है। अब बात ये है कि इसके अंदर हम लोगों का देखना पड़ेगा अब कुछ चीज़ें, इसका रेवेन्यू आप देखिए स्क्रीन पे, ये रेवेन्यू वाला है 2019 में, इसमें बहुत बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था जो कि ह्यूज, मतलब 533 करोड़ उसके अंदर इस जैसे स्मॉल कैप कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। हालांकि 2020 में इसके अंदर रेवेन्यू उतना नहीं हुआ, उसका रीज़न तो आपको पता है, उसका रीज़न कोरोना है, तो वो सारे बिजनेस के लिए वो हुआ है, नॉट ओनली दिस कंपनी, सारे कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ धीमे हो गया है, लेकिन ये अगले साल में यानी कि इस साल में 2021 में बहुत बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि अभी सब लोग बाज़ार में जाके खरीदने से ऑनलाइन खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी
आपका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो आपको इस स्टॉक के अंदर फोकस करना पड़ेगा, ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप देख सकते हैं 73.63% पब्लिक के लिए इशूड है और 24.95% उसका जो प्रोमोटर है उसके पास ही है। और सबसे बड़े वाले बात ये है, इसका जो प्रोमोटर है ये कोई भी अपना जो स्टॉक है वो प्लेज नहीं किया है, यानी कि उसको प्लेज करके दूसरा कुछ जगह पर इन्वेस्टमेंट इसका नहीं है, पूरा जीरो डेप्ट वाला कंपनी है। तो FIIs का भी थोड़ा सा होल्डिंग है 1.42%, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो अभी के लिए 2021 ये जून महीना चल रहा है, इस महीने से आप अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सा स्टॉक है। अब हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कर लिया, अब हम लोग थोड़ा चार्ट में चलेंगे इसका। ये है राधा माधव कॉरपोरेशन का चार्ट, ठीक है। तो ये राधा माधव कॉरपोरेशन का डेली चार्ट है, अगर आप देखें आज भी इसने थोड़ा नीचे आया है, दो दिन से लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो इसका चाल शुरू हुआ था बहुत बढ़िया चाल दिखा था। अभी इसका जो रेट चल रहा है, करंट रेट 3 रुपए के आसपास कुछ चल रहा है। तो ये मैंने यहां पर इसका रिट्रेसमेंट निकाला है, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, यहां से ये जो चाल चला था इस हाई लगाया, उसके बाद अगर मैक्सिमम ये नीचे आ सकता है ये 38% के एरिया, यानी कि 2.95 और मैक्सिमम 2.75, 2.5 रुपए के आसपास या 2.75 के आसपास ये आ सकता है, तो वहाँ पर इसका अच्छा एंट्री मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये सारे स्टॉक अगर आप 2 रुपए 1 रुपए ऊपर भी खरीदे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो स्टॉक होता है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसके अंदर टेक्निकल जो है वो उतना खास मायना नहीं रखता है। बाकी हम लोग फंडामेंटल को देख के करेंगे, और यहाँ पर अगर कुछ अपडेट होता है मैं इसको लेके बाद में इस चैनल के अंदर एक वीडियो डाल दूंगा और उसको आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने पेनी स्टॉक वाला जो एपिसोड शुरू किया है इसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में कि 2 हफ्ते में एक बार आऊं, आप लोगों से मिलूं और 2-3 स्टॉक आप लोगों के साथ बात करके चलूं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट जो व्यू हम लोगों का राधा माधव कॉरपोरेशन के अंदर। अब हम लोग सेकेंड व्यू में जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों को तो पता है जो पुराने दोस्त थे इस चैनल के अंदर, मैं यहाँ पर डेली बेसिस इंट्राडे स्टॉक को लेके भी वीडियो डालता हूँ, आफ्टर मार्केट आज डेली बेसिस एक वीडियो डालता हूँ। तो अगर आपको वो इंट्राडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 स्टॉक को लेके व्यू जानना है तो कहीं ना कहीं आपको इस चैनल के अंदर आपको वो मौका मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अब हम लोग सेकेंड व्यू की तरफ चल लेंगे और देख लेंगे हम लोगों का जो सेकेंड व्यू रहेगा वो कौन सा वाला में रहेगा। तो दोस्तों हम लोगों का जो सेकेंड व्यू रहेगा वो रहेगा मंधना रिटेल वेंचर्स के अंदर। तो ये एक स्टॉक है, रिटेल के अंदर काम करते हैं बेसिकली, ये लोग टेक्सटाइल क्लोथिंग के ऊपर काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो ब्रांड है बाहर भी ये मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं, और इसका भी फंडामेंटल अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग सा स्टॉक है। नाम का लिए थोड़ा सा एक डेप्थ है, लेकिन वो मतलब बहुत ही कम है, इसका इक्विटी के हिसाब से अगर करें 0.6% खाली, मतलब 0 के बराबर है। और ये जो स्टॉक है ये राकेश झुंझुनवाला का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी है, ठीक है। तो ये जो मंधना रिटेल वेंचर्स, इसका जो रेट अभी आ रहा है 21.37 के आसपास कुछ रेट आ रहा है, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसका अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें तो इसका भी अगर आप देखें कैश फ्लो जबरदस्त है और वो राइजिंग में है, ठीक है। जो कैश फ्लो होता है प्रोमोटर्स वहाँ पर, मतलब जो इसका जो प्रोमोटर है, इसका जो मालिक है, उन लोगों ने मार्केट के अंदर इस कंपनी के अंदर कैश फ्लो जबरदस्त तरीके से रखा हुआ है। इसके अंदर लोन भी नहीं ना के बराबर है, लो डेप्ट है, और इसके साथ जो प्लेजिंग है उस प्रोमोटर का, इस शेयर को प्लेज करके भी रखे हुए थे, जो कि धीरे धीरे वो घटा रहा है, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट की तरह जा रहा है। ये स्टॉक भी इस महीने के अंदर, लास्ट 1 महीने के अंदर 20% ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत बढ़िया है, और ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया एक काउंटर हो सकता है। अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसके अंदर ये जो है ये हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम जो 1 साल का लो था
52 वीक का जो लो था वो हाईएस्ट उस वहाँ से सबसे ज़्यादा सारे स्टॉक्स के अंदर इस बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा उसने रिकवरी दिखाया है और इसका आरएसआई भी बहुत स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखा रहा है और इसका भी पी रेशियो जो है जैसे हम लोग फास्ट स्टॉक में डिस्कस किए थे इसका भी 10 के नीचे है। तो एक बहुत बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका रेवेन्यू अगर आप देखें ये भी बहुत बढ़िया रेवेन्यू है। 2020 में भी इसका 151 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था और कहीं ना कहीं इस साल के अंदर भी वो भी ग्रोथ हो सकता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है। अब हम समरी देख लेते हैं इसका जो होल्डिंग है शेयर होल्डिंग अगर हम लोग देख लेते हैं इसका 64% के आसपास कुछ हम लोग पब्लिक के लिए इशूड है और प्रोमोटर के पास 33% स्टॉक इसके होल्ड है और इसके अंदर भी FII DII बोथ है। धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करके है 0.42 0.5 ऐसे करके है लेकिन है और इसके अंदर जो है धीरे धीरे मुझे लग रहा है इस महीने के अंदर जो परफॉर्मेंस ने दिखाया है आगे भी वो चल सकते हैं। अब हम लोग चार्ट में चल पड़ेंगे इसका और देख लेंगे चार्ट के अंदर इसका कैसे रहा है। अगर आप देखें ये एरिया से ये 11 रुपये के आसपास से मूवमेंट चालू किया था अभी और ये 25 रुपये के आसपास हाई लगाया अभी थोड़ा नीचे आ रहा है तीन दिनों से अभी 21 रुपये के आसपास ये 21.37 के आसपास कुछ चल रहा है और ये पूरा लेग का मैंने रिट्रेसमेंट निकाला है तो कहीं ना कहीं 20 रुपये के आसपास इसको लेकर आपको मिल जाते हैं बहुत बढ़िया है। और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं ऊपर भी चला गया तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं इसको आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और अपने कैपिटल के हिसाब से। मैंने पहले ही आप लोगों को ये बताया ऐसे कभी नहीं करना है बहुत ज़्यादा फंड आप वहाँ पर एलोकेट कर दे अपने रिस्क कैपिटाइट को समझने के बाद ये सारे स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दो स्टॉक मैं अगले एपिसोड में आऊँगा और वहाँ पर और दो स्टॉक आप लोगों को मैं बताते हुए जाऊँगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए सबको नमस्कार जय हिंद जय भारत।